ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑप्टेन सिल्क सिल्क ऑप्टेन करने के लिए जब हम सिल्क वेयरिंग करते हैं उसे कहा जाता है सेरिकल्चर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं इसमें क्या हुआ सबसे पहले चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी देर एन एम्प्रेस नेम वॉज लोथ जू और उन्होंने वो कौनता है कि जो थी वो एम्प्रेस थी और कहा जाता है की एक्सीडेंटली उनकी चाय में जो है वो कुकून गिर गया था जिससे कि वो जो हॉट चीज में जब भी कुकून गिरता है तो उसके फिर थ्रेड अलग हो जाते हैं राइट तो उन्होंने वहां

जब उन्होंने ये सीक्रेट यूरोप में रिवील कर दिया तो फिर ये टेक्निक यूरोप में भी इंट्रोड्यूस हो गई और धीरे धीरे मेडिटेरियन और एशियाटिक कंट्रीज में भी इसका इंट्रोडक्शन हो गया लेटेस्ट मूव टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली ये जो इंसेक्ट वर्म नहीं है इट्स अ मॉथ ये एक मौत है इसे सिल्क मौत कहा जाए तो बेटर है लेकिन इसकी जो सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेज है वो वर्म स्टेज है ये स्टेज में ही सिल्क प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए यूजली इसे सिल्क वर्म ही कहा जाता है राइट तो इसका जो फाइलम है इट इज आर्थ्रोपोडा क्लास है इंसेक्टा ऑर्डर है लेपिडोप्ट्रा और फैमिली है बॉम्बे इसकी फैमिली जो है वो वेरी करती है दो तरीके की फैमिली के अंडर इसके जीनस आते हैं दे मे भी बॉम्बे सी या फिर स्टर्न डे अलग अलग इसके जो है वो जीनस होते हैं अलग अलग कई तरीके की स्पीशीज होती हैं जिसमें से कुछ ही हम जो है वो सेरिकल्चर में यूज करते हैं अब तो हम स्पीशीज ऑफ सिल्क वम को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो यूज में है वो है मलबरी सिल्क वम और इससे जो सिल्क ऑप्टेन होता है उसे चाइनीज सिल्क भी कहते हैं जो बायोलॉजिकल नेम है वो है बॉम्बेक्स मोरी और इसका जो फैमिली है इट कम्स अंडर बॉम्बे सीडे फैमिली यही अकेला है जो बॉम्बे सीडे के अंदर आता है बाकी सारे सेटर्निटे के अंदर ही आएंगे तो यहाँ पे ये इसकी फैमिली बॉम्बे सीडे है और ये जो जिन प्लांट की लीव्स के ऊपर फीड करता है इसका जो फूड है दिस इज मलबरी प्लांट मलबरी प्लांट के ऊपर ये फीड करता है इसी से इसका नाम है मलबरी सिल्क वॉर्म ये चाइना का नेटिव है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए और जापान इंडिया कोरिया इटली और फ्रांस uh, में भी जो है उसे कल्टीवेट किया जाता है और इससे जो सिल्क अपटेन होता है वो वाइट कलर्ड सिल्क होता है इसीलिए इसे जो है वो वाइट सिल्क बीक कहा जाता है और ये एक वाइल्ड वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है इसे इतना ज्यादा कमर्शियल यूज के लिए डोमेस्टिकेट कर लिया गया है कि अब ये वाइल्ड कंडीशन में जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता अनलेस इसे डोमेस्टिकेट किया जाए प्रॉपर केयर के साथ और उसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सिल्क के ऊपर विच इज तसर सिल्क जो तसर सिल्क होती है इट्स कम्पलीटली अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क ये फॉरेस्ट सिल्क वम है और ये जो है इसका जो नॉर्मल क्लेक्चर के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल नेम इज एंथेरिया पैफिया और इसका जो फैमिली है दैट इज सेटर्निडे बाकी आगे जो भी आएंगे वो सटर्निडी के अंडर ही आएंगे ये जिन प्लांट की लीव्स के ऊपर जो है वो फीड करता है बेर, साल ओक फिग प्लांट्स इन सब के ऊपर ये फीड कर सकता है उसके बाद ये इंडिया चाइना और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में जो है वो पाए जाते हैं और इससे जो सिल्क ऑप्टेन होता है वो वाइल्ड सिल्क होता है ब्रीडिंग जो है इसकी वेल कंट्रोल नहीं है इसे डोमेस्टिकेट बड़ी ही मुश्किल से किया जा सकता है तो इसलिए डोमेस्टिकेट इसको नहीं किया जाता है इसके जो कुकोन्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और इसको इंडस्ट्रियली भी बहुत ही कम यूज किया जा सकता है तो इसीलिए इसके कुकोन्स फॉरेस्ट से ऑप्टेन किए जाते हैं और इसका जो सिल्क होता है दैट इज ब्राउन सिल्क उसके बाद हम नेक्स्ट सिल्क वम्प की वैरायटी पे आते हैं दिस इज मूगा सिल्क वम्प और इसका जो नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो नेम है दैट इज एंथेरिया असामा अब असामा इसकी स्पीशीज इसलिए क्योंकि ये आसाम की नेटिव है और इसकी फैमिली सेटर्नर डे और जिस प्लांट के ऊपर ये जो है वो फीड करता है दैट इज मैचुलस प्लांट और इसे हिंदी में सोम प्लांट कहा जाता है सोम प्लांट और इससे जो सिल्क ऑप्टेन की जाती है दैट इज कॉल्ड द मूगा सिल्क मुगा सिल्क वम हमने पढ़ लिया उसके बाद आता है एरी सिल्क वर्म ये भी जो है वो एक वाइल्ड वैरायटी नहीं है ये भी मोस्टली डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है ये मलबरी सिल्क वम और इसे मोस्टली डोमेस्टिकेट किया जाता है और इसका जो नेम है दैट इज अटैकस रेसिनाय और इसका फैमिली सटर्निटी है और जिन लीव्स के ऊपर भी ये फीड करती है इट इज कास्ट प्लांट के लीव्स होते हैं इसका खुद का जीनस जो है वो रेसिनस होता है इसीलिए इसे अटैकस रेसिनस कहा जाता है इस प्लांट का जीनस कास्ट प्लांट उसके बाद ये ईस्ट इंडिया में मोस्टली पाई जाती है और इससे जो सिल्क बनती है वो अरंडी सिल्क उसे लोकली कहा जाता है आसाम में और ये ग्लॉसी तो नहीं होती है ज्यादा लेकिन ड्यूरेबल होती है और एक और इसके बारे में बात की इसे अहिंसा सिल्क या नॉन वन सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि या फिर वेजिटेरियन सिल्क भी इसे कुछ लोग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें कुकून जब हमने प्रोसेसिंग पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि कुकून को किल करना पड़ता है यहाँ पे प्यूपा को किल करना पड़ता है सिल्क को करने के लिए लेकिन ये एक ऐसे तरीके की सिल्क होती है जिसमें हम जो है प्यपा को प्यूपा को किल नहीं करते हैं उसके बाद लास्ट टू वराइटीज ऑफ जो हमारे पास सिल्क वॉम बचते हैं दीजर ओक सिल्क वॉर्म एंड जायट सिल्क वॉर्म ये जो है वो इसका जो ओक सिल्क की बात करते हैं इसका जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज एंथेरिया पेरेनाय और सॉरी यहाँ पर उन्होंने सी लगा दिया एंथेरिया और उसके बाद इसका जो फैमिली है दैट इज सिटर्निडे और ये चाइना जापान में पाए जाते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी सिल्क और उसके बाद जॉइंट सिल्क वर्म की बात करते हैं जॉइंट सिल्क वर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम है अटैकस एल्टस और इसका फैमिली सीटर्निटे ऑब्वियसली बाकी सबका सिटर्निडे फैमिली है सिर्फ मलबरी सिल्क वर्म का बॉम्बे सीटी है और ये जो जाइंट सिल्क वर्म है ये सबसे बड़ा लिविंग इंसेक्ट माना जाता है और इसका जो विंग स्पैन है इट इज अबाउट इलेवन इंचेस और इससे जो हम सिल्क ऑप्टेन करते हैं दैट इज फगारा सिल्क अभी यहाँ पे हम इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं तो यूजुअली जो हमारे पास सिल्क इंडस्ट्री में यूज होती है सिल्क वर्म दैट इज बॉम्बेक्स मोरी तो हम इसी के लाइफ साइकिल की बात यहां पे करने वाले हैं और बॉम्बेक्स मोरी जो है जिसे हम मलबरी सिल्क वर्म भी कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क वर्म यूज अब डिपेंडिंग अपॉन की इन वन ईयर मतलब एनुअली इसको कितनी बार जो है कितने क्रॉप इसके यूज किए जाते हैं कितने कल्टिवेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी volatism, जो है वो डिफाइन किया जाता है जैसे यूनिवाल होते हैं जो एनुअली एक ही क्रॉप जिसका उगाया जाता है बाय वॉल्टीन मतलब ऑब्वियसली टू क्रॉप्स उगाए जाते हैं एक ईयर में इसके सॉरी कल्टीवेट किए जाते हैं और मल्टीवालेंटीन वो जो दो से ज्यादा जो है वो क्रॉप पर ईयर जो है वो कल्टिवेट करते हैं सिल्क वॉर्म के अब यूजअली इनकी रे

स्प्रिंग एंड नॉर्टम सीजन में होती है तो वो वाली कंट्रीज ऑब्वियसली जहाँ पे हर टाइम विंटर ही रहता है जैसे यूरोप और रशिया वहाँ पे तो फिर वो यूनिवॉल्टीन ही ऑब्वियसली होगी लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे नॉर्मल वेदर कंडीशन होते हैं सभी सीजन प्रॉपरली जैसे हमारी कंट्री आकर करते हैं तो वहां पे मोर देन वन क्रॉप भी जो है वो कल्टिवेट किया जा सकता है राइट उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं तो ईजिली मैंने इसे एक ब्रीफ तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे यूजली अगर मैं लाइफ स्टेजेस की बात करूं तो इसमें सिल्क मॉथ लाइफ स्टेज आती है फिर तो उसके बाद जो लाइफ स्टेज आती है दैट इज एग्स ले करता है सिल्क मॉथ और उसके बाद कैटरपिलर स्टेज आती है कैटरपिलर के बाद ये प्यूपा स्टेज में चला जाता है जिसमें कुकून फॉर्मेशन होती है और उसके बाद कुकून से फिर से मैगो इमर्ज होता है जिससे कि जो एडल्ट मेल और फीमेल है वो ओरिजिनेट जो है वो ये डेवलप हो जाते हैं तो हम सबसे पहले जो लाइफ like स्टेज पढ़ने वाले हैं दैट इज सिल्क मॉथ अब सिल्क मॉथ जो है वो यूजली टू सेंटीमीटर होता है इट इज पेल क्रीमी व्हाइट इन कलर और जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है साइज में एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज इसका बॉडी हैवी होता है और इसके विंग्स स्वल होते हैं तो ये उड़ नहीं पाती है सिल्क मॉथ लाइफ स्टेज होता है ना इनका इसमें ये फीडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन इस वाली स्टेज का जो लाइफ स्पैन है बहुत ही कम होता है यूजली का अगर मैं बात करूं तो टू टू थ्री डेज या जरा जरा फोर टू फाइव डेज इतना ही होता है और इसमें ये फीडिंग नहीं करते इसमें ये आते सिर्फ कॉपुलेशन के लिए ही ताकि ये एग्स ले कर सकें तो इसमें क्या होता है कि फीमेल और मेल जो है वो कॉप्युलेट करते हैं टू तो टू तो थ्री आवर्स के लिए यूजली और उसके बाद जो है कॉप्युलेट करने के बाद इ डाइस और जो फीमेल है वो फर्टिलाइज होने के बाद जो है वो एग ले करती है वन टू तो ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर कॉप्यशन जो है वो Uh, जो है वो एग ले करती है और अराउंड uh, 400 हंड्रेड टू फाइव जो है वो एग ये ले करती है क्लस्टर्स में ले करती है लीव के लोअर uh, सरफेस के ऊपर अपर सरफेस के ऊपर नहीं लोअर सरफेस के ऊपर जो है वो जेलिटेनस मास में जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में जो छोटे छोटे एग्स जो है ये ले करते हैं अब ये जो प्रोसेस uh, है जिसमें पॉपुलेशन होती है इतना पार्ट दिस इज ऑब्वियसली द फर्टिलाइजेशन स्टेज और ये वाला पार्ट है जिसमें इसने एग ले करने हैं दिस इज द एग लेइंग स्टेज और उसके बाद जब ये एग्स जो है वो इंक्यूबेट होते हैं टेन डेज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड है इसका टेन डेज दस दिनों तक ये जो है वो इंक्यूबेट होंगे और उसके बाद एग्स में से कैटापिलर्स जो है वो इमर्ज होंगे तो ऑब्वियसली एग्स की हैचिंग होगी तभी कैटापिलर्स इमर्ज होंगे तो इस वाली स्टेज को इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग तो फर्टिलाइजेशन एग लिंग और हैचिंग हमने कवर कर लिया है सिल्क मॉथ लाइफ स्टेज के अंडर नाउ वी शैल बी डिस्क लाइफ स्टेज इज द ओनली फीडिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ माउथ पॉच जो है वो मैंडीबुलर माउथ पॉच होते हैं मतलब बाइटिंग एंड चुईंग टाइप माउथ पॉच होते हैं वोरेशियस फीडर होता है अपने वेट से भी कितना ज्यादा गुना जो है ये खाना जो है वो खा लेता है मतलब लीज जो है वो ये खा लेता है तो उसके बाद अब हम इसके कैसे कैसे, कैसे कैटरपिलर आगे आगे डेवलप होगा वो स्टेजेस पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें एग्स के हैच होने के बाद जो स्टेज होती है उसमें कैटरपिलर को कहते हैं फर्स्ट इंस्टार जो है वो लार्वा फर्स्ट इंस्टार लार्वा उसमें जो कैटरपिलर होता है वो जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इन लेंथ होता है पेल येलोइश इश व्हाइट होता है कलर में और वो रेशियस फीडर होता है काफी खाता है उसमें फिर उसके बाद ये फर्स्ट मोल्टिंग अंदर करता है सेकंड स्टेज सेकंड लार, इंस्टार लार्वा फॉर्म हो जाता है सेकंड इंस्टार लार्वा फिर सेकंड मोल्टिंग अंदरगो करके थर्ड इंस्टार लार्वा बनता है फिर थर्ड मोल्टिंग होती है तो फोर्थ इंस्टार लार्वा स्टेज आ जाती है अब उसके बाद फोर्थ इंस्टार स्टेज के बाद जो फोर्थ एंड फाइनल मोल्टिंग होती है चार मोल्टिंग इसने अंडरगो करनी है तो फोर्थ मोल्टिंग के बाद जो ये फिफ्थ इंस्टार जो लार्वा बनाता है वो जो है वो फाइनल स्टेज होती है कैटर के लाइफ की तो उसमें ये फोर टू सिक्स ग्राम हो जाता है वेट में और उसका जो लेंथ है वो सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो जाता है बढ़कर और फुली डेवलप्ड लार्वा होता है ये इस टाइम पे कैटापिलर और ये जो है वो इसके डेवलप हो जाते हैं इस टाइम पे अब ये फिफ्थ इंस्टार स्टेज पे पहुंच के खाना पीना बंद कर देता है इट स्टॉप फीडिंग और ये पीपेशन अंडरगो करने की तैयारी में हो जाता है अब ये मतलब की रेस्टिंग स्टेज पे चला जाएगा कैटापिलर फिफ्थ इंस्टार लार्वा जब ये बन जाएगा तो ये रेस्टिंग स्टेज पे चला जाएगा दिस इज द फिफ्थ एन स्टार कैटापिलर फिफ्थ एन स्टार लार्वा है ये इसका जो माउथ है इट हेज बाइटिंग एंड चुइंग टाइप ऑफ माउथ पाथ और ये इसका हेड है इसके पास थ्री पेयर ऑफ टू लेग्स है उसके बाद प्रो लेग्स या सूडो लेग्स होती है फाइव पेयर्स होते हैं इसके और ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं लेकिन फॉर एन ओवरव्यू मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि कितने इसमें सेगमेंट्स होते हैं टोटल थर्टीन सेगमेंट्स होते हैं थ्री थोरासिक्स सेगमेंट्स होते हैं और टेन जो है वो अब सेगमेंट्स होते हैं वन पेयर ऑफ एंटीने जो है वो हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल एनल हॉर्न होता है वो एट सेगमेंट से ओरिजिनेट करता है अब हम इसके प्यूपा स्टेज को जो है नेक्स्ट लाइफ स्टेज को कवर करेंगे विच इज द प्यूपा स्टेज जिसमें ये कोकोन बनाएगा तो इसमें क्या होता है जो फिफ्टीन स्टार लार्वा के बारे में हमने पढ़ा जो कैटापिलर स्टेज है अब वो फीडिंग स्टॉप कर देगा और वो लीव्स के कॉर्नर पे चला जाएगा क्योंकि इसे फूड दे रखते हैं ना हम बहुत सारा जब कैटापिलर स्टेज पे होता है कितने सारे मलबरी लीव्स दे रखते हैं है फीडिंग के लिए तो उसके बाद ये क्या करता है कि लीव्स के कॉर्नर में चला जाता है और ये जो है वो स्टिकी फ्लूड सेक्रेट करता है अपने ग्लैंड से अब ये जो हमारे पास इसके सलाइवरी ग्लान्स से ना पहले सिल्क ग्लांस में मॉडिफाई हो जाते हैं और फिर ये स्टिकी फ्लूइड से करते हैं उससे। अब ये जो स्टिकी फ्लूइड है ये जिन नारो पोर्स से जो है वो हाइपोफार्स के ऊपर इसके नारो पोर्स होते हैं जिससे कि ये स्टिकी फ्लूड बाहर आता है और उन पोर्स को स्पिनरेट कहते हैं अब स्पिनरेट के थ्रू वो फ्लूड जब बाहर आता है तो वो एयर के एक्सपोजर में आकर सॉलिडिफाई हो जाता है वो जो स्टिकी फ्लूड है और वो सिल्क थ्रेड का फॉर्म ले लेता है फिर और वो जैसे जैसे बाहर आता है वो इसकी बॉडी कैटापिलर की बॉडी के अराउंड जो है वो रैप होना शुरू हो जाता है जिससे कि वो कोकून उसकी एक आउटर कवरिंग बन जाती है जिससे कि कोकोन कहा जाता है लेमी रिप्रेजेंटेड कैसे बनता है अब यू कैन सी ओवर हेयर यहाँ पे होगा स्पिनर है इससे जो है ये जो अपना स्टिकी फ्लूड है वो सिक्रीट करेगा और जैसे जैसे ये सिक्रीट करेगा ये इसकी बॉडी के अराउंड एयर के एक्सपोजर में आकर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और इसी के बॉडी के अराउंड जो है ये रैप होता रहेगा जिससे इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाएगी और कुकून का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर ये रेस्टिंग स्टेज पे जाकर प्यूपा बन जाएगा तो इस तरीके से एक आउटर कवरिंग बन जाएगी जिसे कि कुकोन कहा जाएगा उस कुकून को जो है वो आउटर कवरिंग को कुकोन कहा जाता है ये लाइफ स्टेज प्यूपा कहलाती है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो मॉथ स्टेज आएगी लेकिन उससे पहले जो इसकी यंग स्टेज होगी इमेगो जब वो इमर्ज करेगा कुकोन से तो हम उसकी बात करेंगे अब क्या होता है कुकोन के अंदर जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है तो जो कैटापिलर है वो एक्टिव मेटामोफिक चेंजेज अंडरगो करता है ड्यूरिंग प्यूपल पीरियड अब इसके जो जोडो लेग्स हैं वो गायब हो जाते हैं और दो एंड टू पेयर ऑफ द विंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं इस टाइम पे तो जो सिल्क वम है अब उस टाइम पे मेटामोफिक चेंजेस अंडरगो करता है और सिल्क वम जो है वो एल्कोलाइन फ्लूड से चीट करता है जिससे कुकोन जो है वो एक एक एंड से जो है वो मॉइस्ट हो जाता है अब जहां से जिस एंड से जो है कुकोन मॉइस्ट होगा वहां से होल फॉर्म हो जाएगा और फीबल एडल्ट मौत जो है वो उस होल के थ्रू बाहर आ जाएगा अब यहां पे हम बॉम्बेक्स मोरी का लाइफ uh, साइकिल का एक थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा अब एडल्ट हमने देखा फीमेल जो थी थी बात की मेल से बड़ी होती है साइज में ये फ्लाइट नहीं ले सकती हैवी uh, बॉडी होने के कारण ये दोनों कॉप्यट करते हैं और ये जो है हमारे पास एक्स का फॉर्मेशन होता है एक्स का फॉर्मेशन होने के बाद जब हैचिंग वगैरह होती है तो हमारे पास कैटापिलर आते हैं वो चार मोल्टिंग्स अंडरगो करते हैं फोर मोल्टिंग्स अंडरगो करने के बाद एक मेच्योर कैटापिलर जो है वो फॉर्म होता है मेच्योर कैटापिलर जो होता है वो फीडिंग स्टॉप कर देता है वो जो है वो सिल्क लैंड के थ्रू जो है वो अपने अराउंड एक कविंग बना लेता है जिसे कुकोन कहते हैं और प्यूपा जो है वो अपने रेस्टिंग पीरियड में प्यूपल पीरियड में चला जाता है उसके बाद कुकोन जो है वो कट ओपन होता है एक अडल्ट मौत जो है वो इमर्ज आउट हो जाता है वैसे तो इसके हर एक लाइफ स्टेज का जो टाइम uh, ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं है वो अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करता है लेकिन एक अगर हम यूजुअल बात करें तो इसका लाइफ स्पैन यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ दिया गया है तो यू कैन राइट इट एज दिस इफ यू वॉन्ट टू राइट इसके बाद सेरीकल्चर इंडस्ट्री पे आ जाते हैं और सेरीकल्चर पे आ जाते हैं तीन मेजर स्टेप्स जो है वो सेरीकल्चर में फॉलो किए जाते हैं सबसे पहले मोरी कल्चर हम यहाँ पे मलबरी सिल्क का लेकर ही चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे मोरी कल्चर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वाम सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं और उसके बाद कुकोन्स जब बन जाते हैं रियरिंग के बाद उसके बाद पोस्ट कुकोन प्रोसेसिंग करते हैं मतलब कुकून के बनने के बाद जो भी चीजें करेंगे उसमें फर्दर तीन चीजें आती हैं पोस्ट कुकोन पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग में स्टिफलिंग रीलिंग और स्पिनिंग अब पहले मोरी कल्चर पे आ जाते हैं मलबरी प्लांट्स को ग्रो करना देट इज मोरी कल्चर मेन स्पीसीज मलबरी प्लांट्स की मोस्ट कॉमन जो है वो मोरस एल्बा जिसे हम टूत या टूतरी भी कहते हैं और ये यूजली व्हाइट टाइप के जो है हमारे पास होते हैं और उसके बाद जो सेकेंड है देट इज मोरस इंडिका मोरस इंडिका जिसे हम यूजली शे तूत भी कहते हैं तो दीज आर द बेसिक टू स्पीशीज जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मोरी कल्चर में उसके बाद रियरिंग ऑफ सिल्क वाम देख लेते हैं तो रियरिंग ऑफ सिल्क वम में क्या है कि सबसे पहले रेयरिंग होती है इट इज द फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ सिल्क टिल द कुकून प्रोडक्शन ये नहीं है कि सिर्फ उसे हमने मलबरी प्लांट के लीव ला दिए देकर खाने के लिए और बस हो गया ये नहीं जब तक वो फीडिंग से लेकर जब तक कुकून बनेगा उसका पूरा केयर करना देट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वम और आजकल ग्रेनेज टेक्नोलॉजी है जो सिल्क वाम रियरिंग में यूज की जाती है उसके बाद एक बार जो है वो रियरिंग चालू कर दी गई है तो सप्लाई ऑफ सीड अब सीड यहाँ पे कहा गया है एग्स को अब जो एग्स हैं अब जो रियरर्स हैं जिन्होंने पालना है तो वो जो है वो उन्हें डायरेक्टली एग्स दे सकते हैं या फिर कैटापिलर भी दे सकते हैं रियरर्स को तो जो एग्स है वो ओल्ड रियरर्स को देते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि एग्स को जो है वो रियर करना थोड़ा मुश्किल होता है उसके बाद कैटापिलर देते हैं न्यू या अन रियरर्स को जिन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इन्हें जो रियर किया जाता है वो हैंगिंग ट्रीज एंड नाइनलन नेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं अब कुकून फॉर्मेशन के पास जब कुकून फॉर्मेशन होने वाली होती है तो कैटापिलर्स को एक ट्रे में रख दिया जाता है जिसे सन के डायरेक्शन में स्लांटिंग तरीके से रखा जाता है ताकि जो है वो इनकी प्रॉपर रियरिंग या कुकून फॉर्मेशन हो सके के बाद पोस्ट कुकून प्रोसेसिंग पे आ जाते हैं इस पर भी हमने तीन स्टेप्स पढ़ने हैं ये ऐसा मेथड है जिससे हम जो है वो सिल्क थ्रेड जो है वो लेंगे कुकून से हमारे पास कुकून है इससे हमने सिल्क थ्रेड करना है सबसे पहला प्रोसेस है स्टिफलिंग स्टिफलिंग में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो कुकून है कुकून हमारे पास बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हमने तो अब हम क्या करेंगे कि जो प्यूपा है उसे हम किल करेंगे प्यूपा इनसाइड द कुकून होता है ना तो उसे मार दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि इसको जो कुकूंज है उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है या हॉट ओवन में या स्मोक में रखा जाता है इससे क्या होता है कि जो अंदर प्यूपा है इट डाइज सर हम बॉइलिंग वाटर में स्टिफलिंग करते हैं तो ये क्या करता है कि सिल्क थ्रेड्स क्योंकि वो हीट जो बॉइलिंग वाटर में क्या होता है कि उसके आउटर जो सिरेसिन होता है वो जो है वो डिजोल्व हो जाता है सिरेसिन उससे अलग हो जाता है और अनबाइंडिंग और सिल्क थ्रेड्स हो जाती है जिससे कि ये जो थ्रेड्स हैं ये सॉफ्टन हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं com c अब ये जो सेकेंड प्रोसेस है दिस इज रीलिंग एक बार हमने स्टिफलिंग कर ली है तो हम क्या करेंगे कि अब जो थ्रेड्स हैं उसे किल्ड कुकून से रिमूव करेंगे कुकून में एकदम लिपटे होते हैं थ्रेड्स तो उससे थ्रेड्स को रिमूव करना है जिससे कि हम सिल्क ऑप्टेन करेंगे अब ये जो थ्रेड्स हैं इन्हें हम रीलिंग के थ्रू कुकून से अलग करते हैं और अब यहां पे जो हमारे पास सिल्क ऑप्टेन होती है इसे रॉ सिल्क कहा जाता है थ्रेड्स तो हमने अलग कर लिए लेकिन अभी भी इसमें जो सिरसिन है वो काफी होता है इस, जिसकी वजह से ये रफ होते हैं हार्ड होते हैं और नॉन लश्चुरस होते हैं अभी भी या फिर इसे रॉ सिल्क कह सकते हैं या रील्ड सिल्क कह सकते हैं क्योंकि इसके अभी रीलिंग ही हुई है थ्रेड जी अलग की है, कुकून से. अभी क्या कर सकते हैं कि इसकी डी गमिंग कर सकते हैं सिरिसिन को रिमूव करने के लिए डी गमिंग में क्या होता है कि सीरिसिन को अलग कर देते हैं पानी में डाल के और वो जो सीरिसन की वजह से एक दूसरे के साथ चिपके चिपके से रहते हैं तो डी गमिंग करके सिरिसिन हटा के तो हमारे पास जो है वो लश्चरस थ्रेड आ जाता है तो फिर उसके बाद स्पिनिंग की जाती है स्पिनिंग में क्या होता है कि वेस्ट आउटर लेयर और डैमेज कुकून जो होते हैं और जो थ्रेड्स होते हैं थ्रेड्स जो डैमेज थ्रेड्स है उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है दे आर टीज तो आउट और फाइनली जो फिलामेंट्स है जो अच्छे अच्छे थ्रेड्स है उन्हें स्पन किया जाता है तो फाइनली जो हमारे पास सिल्क आती है दैट इज स्पन सिल्क सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल इन दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक फॉर वॉचिंग